नमस्कार, खाना नामा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से कढ़ाई पनीर बनाना बताऊंगी। सबसे पहले हम गरम तेल में एक हरी मिर्च को तोड़ करके डालेंगे, फिर हम साथ में ही प्याज को भी डाल करके एक सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम टमाटर को भी डालेंगे, इसको भी हम थोड़ी देर बस नरम करने तक भूनेंगे, फिर थोड़ी देर हम ढक देंगे। फिर हम काजू को भी डाल देंगे और इसको भी हम एक सेकेंड के लिए ढक करके पकाएंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में निकाल करके हम ठंडा होने पर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में प्याज और शिमला मिर्च को 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई करने के बाद हम पनीर को अलग से भूनेंगे। और उसमें थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए हल्दी और लाल मिर्च उस पे छिड़क देंगे। अब हमारी सब्जियां रोस्ट हो चुकी है, अब हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। अब हम कढ़ाई में एक बड़ी इलायची, 2 लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता के साथ हम साबुत धनिया डाल करके इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। और अब हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, उसको भी 1 सेकेंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। अब हम हींग के साथ हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाल करके थोड़ा सा हम चला लेंगे। उसके बाद अब हम पेस्ट को डाल देंगे जो हमने टमाटर प्याज का बनाया था। पेस्ट को डाल करके हम अब थोड़ा थोड़ा उसमें पानी डाल करके ऐड करेंगे और चलाते रहेंगे। अब हमारी ये ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब हम गरम मसाला डाल करके इसमें थोड़ी सी चला लेंगे और अब रोस्ट किए हुए हम सभी सब्जियों को भी इसमें हम डाल देंगे। आखिर में अब स्वाद अनुसार नमक और कसूरी मेथी डाल करके हम इसको हम अच्छी तरीके से 2 मिनट और पका लेंगे। अब 3-4 मिनट के लिए हम उसको ढक करके पका लेंगे। अब उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सब्जी को उसमें 2 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। अब हमारी ये सब्जी बन चुकी है। आप किसी अच्छे बर्तन में निकाल लें और ये सर्व करें। आशा करती हूँ ये सभी को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।